एक्चुअली कश्मीर के अंदर है, इतने अच्छे लोग, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा हॉस्पिटैलिटी, एंड मतलब वाकई जन्नत है। दिस प्लेस इज़ सो ब्यूटिफुल। जैसा कि मैंने बताया कि मैं श्रीनगर बहुत फ्लाइट्स ऑपरेट करती हूँ, तो मैं तो बहुत ज़्यादा कश्मीरी लोगों से डील करती हूँ। इतने हार्टफुल, वार्मिंग पीपल आई हैव सीन, एंड एक्चुअली उसी से इंस्पायर होके आई हैव ब्रॉट माई फैमिली हियर, एंड दिस इज़ आर सेकेंड विजिट इन दिस ईयर, दिस सेकेंड टाइम वी आर कमिंग, बिकॉज इतने प्यार से बात करते हैं। और खैर आपका लोगों का लहजा तो है ही इतना अच्छा बात करने का कि इट इज़ ऑलवेज वेरी वेलकमिंग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली तस्कीन का लाइव नशरियात आमिर सुहेल के साथ, और इस वक्त हम कश्मीर घाटी के अंदर हैं और दूध पथरी हमारी लोकेशन है जहां से हम आपके साथ ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली से खसूसी मेहमान हैं, कैप्टन प्रियंका जी हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो कश्मीर में आए, कैसा महसूस हुआ यहाँ पर आकर, और ख़ास तौर पर अभी जस्ट कुछ समय पहले इन्होंने कश्मीरी चाय पी है, तो कश्मीरी चाय का टेस्ट कैसा लगे इन्हें, और कश्मीर में आए हैं तो क्या कुछ कहना चाहेंगे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, और क्या आपका ये पहला विज़िट है कश्मीर में? नहीं नहीं, हमारा एज अ टूरिस्ट सेकंड विज़िट है, हालांकि मैं श्रीनगर फ्लाइट बहुत ज़्यादा ऑपरेट करती हूँ। अच्छा, सो वंस इन अ वीक तो मैं आती हूँ श्रीनगर। अच्छा, बट एज अ टूरिस्ट दिस इज़ आवर थर्ड टाइम एक्चुअली। ओके, अच्छा आप यहाँ पर आए, दूध पथरी में आए, आपने यहाँ पर विज़िट किया, कैसा महसूस हुआ? एक्चुअली हमारा तो प्लान ही नहीं था, हम लोग तो अपनी फ्लाइट से आए और हमने सीधा होटल वी हैड टू गो, लेकिन किसी ने हमें बताया कि दूध पथरी जगह है जहाँ पे इट इज ऑफ बीट प्लेस, इट वाज नॉट पार्ट ऑफ आर आइटिनरी एट ऑल, एंड सो वी जस्ट हैपन टू कम हियर एंड वी वर एक्चुअली डम्बस्ट्रक एंड लुकिंग ऑल स्ट्रक लुकिंग एट द ब्यूटी ऑफ द प्लेस, ब्यूटिफुल प्लेस। अच्छा, यहाँ पर आप जब आए तो आपको यहाँ पे कोई परेशानी, कोई दिक्कत आई? परेशानी, सबसे पहले परेशानी तो यहाँ कोई वॉशरूम्स नहीं है, दूसरी परेशानी नेटवर्क नहीं है, तो वंस यू आर ऑफ द रोड देन देयर इज़ नो नेटवर्क एक्सेसिबिलिटी, एंड बिसाइड्स दैट क्लेनलीनेस, मतलब रिवर इतनी खूबसूरत है, मतलब वैली इतनी खूबसूरत है, लेकिन हर जगह कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, सो दैट इज़ देयर। ओके, अच्छा कश्मीरियत को लेकर सवाल करूँगा, कश्मीरी लोगों को लेकर सवाल करूँगा, कैसी मेहमान नवाजी करते हैं, कैसा इखलाक है, और कितना अच्छा सेफ यहाँ पे आप महसूस करते हैं? जैसा कि मैंने बताया कि मैं श्रीनगर बहुत फ्लाइट्स ऑपरेट करती हूँ, तो मैं तो बहुत ज़्यादा कश्मीरी लोगों से डील करती हूँ। इतने हार्टफुल, वार्मिंग पीपल आई हैव सीन, एंड एक्चुअली उसी से इंस्पायर होके आई हैव ब्रॉट माई फैमिली हियर, एंड दिस इज़ आर सेकेंड विजिट इन दिस ईयर, दिस सेकेंड टाइम वी आर कमिंग, बिकॉज इतने प्यार से बात करते हैं, और खैर आपका लोगों का लहजा तो है ही इतना अच्छा बात करने का कि इट इज़ ऑलवेज वेरी वेलकमिंग टू कम हियर। यहाँ की कोई एक ऐसी फूड जो आपको बहुत पसंद हो कश्मीर की, वाजवान या कोई भी? नहीं, मैं तो जनरली, हम तो नॉर्मल नॉर्थ इंडियन फूड ही खाते हैं, सो आई मीन आई एम येट टू ट्राई लोकल क्विजीन अभी। ओके ओके ओके, अच्छा आप यूनिफॉर्म में हैं, एयरपोर्ट से सीधा ही आए हैं? हाँ, मैंने बताया ना, हमने तो एयरपोर्ट से सीधा होटल जाना था, हमारा ये प्लान ही नहीं था। अच्छा। हम तो गाड़ी में बैठे और हमने ड्राइवर साहब को बोला कि भाई वहाँ चलते हैं, एंड हमने जीपीएस पे देखा, इट वाज शोइंग 19 मिनट्स, हालांकि इट हैज टेकन अस मच लॉन्गर देन दैट, पता नहीं वो कौन सी जगह का 19 मिनट्स, तो हमें तो लगा कि हम देख के आ जाएंगे, बिकॉज आवर होटल वाज ऑन द अदर साइड, सो वी थॉट कि वहां से वापस आने से बेहतर है कि वी विल जस्ट गो एंड देन कम बैक। अच्छा, पूरे इंडिया की पब्लिक को, दिल्ली के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कश्मीर को लेकर? मेरा तो ये मैसेज होगा कि हालांकि एवरीबॉडी इज वेरी फैसिनेटेड विद यूरोप, बाहर जाना, घूमना, बट जो हमारे देश के अंदर है, स्पेशली कश्मीर के अंदर है, इतने अच्छे लोग, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा हॉस्पिटैलिटी, एंड मतलब वाकई जन्नत है। दिस प्लेस इज़ सो ब्यूटिफुल, आई मीन नथिंग कम्पेयर टू यूरोप एंड ऑल, सो वी मस्ट कम हियर, सी दिस प्लेस फर्स्ट बिफोर वी थिंक ऑफ एक्सप्लोरिंग आउटसाइड इंडिया। दोबारा फिर आना चाहेंगे? मोस्ट डेफिनेटली, फैमिली के साथ, डेफिनेटली। अच्छा, आपका एक नवाबजादा है, हम इनसे भी पूछेंगे इनका, व्हाट्स योर नेम? रणवीर धीर। ओके रणवीर धीर, हाउ यू फील इन कश्मीर? ओके, आई फील वेरी गुड, दिस इज द फर्स्ट टाइम कमिंग कश्मीर इन द समर्स, आई नेवर एक्सपेक्टेड लाइक दिस, इट इज अ लॉट डिफरेंट फ्रॉम इन विंटर्स व्हेन इट्स ऑल स्नो, I never thought it would actually be like this where there'd be so many trees, so much nature. I just a small message to your friends. Okay, I want to say a message to my friends.
Pack your bags right now and come to Kashmir immediately. Stop your homework and studies. Come here. Right oh my God! Fantastic. This is fantastic. क्या प्यारा मैसेज दिया इन्होंने, जबरदस्त मैसेज दिया. And well, finally हम लोगों के साथ मुलाकात हुई. कैसा आपको लगा? बहुत अच्छा. I mean, we just stopped by to have tea and thanks to you for having us here and talking to us. कश्मीरी चाय tasty. Fantastic. अच्छा आप किस एयर इंडिया के साथ हैं? किसके? हाँ एयर इंडिया. और कश्मीर आते रहते हैं? हाँ हाँ हाँ, वेरी ऑफन. चलिए बहुत. नॉट एज अ टूरिस्ट बट आई फ्लाई टू श्रीनगर अ लॉट. क्या बात है. हमारे साथ है कैप्टन प्रियंका जी थी, जिन्होंने कश्मीर की ओपन आर्म्स पूरी पब्लिक से डिमांड की कि वेलकम करें कश्मीरियों का और कश्मीर आएँ. कश्मीर बहुत खूबसूरत है और यहाँ पर आकर आप भरपूर जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं. और कश्मीर वैली में अगर आए हैं तो नमकीन चाय ज़रूर पियेंगे आप, वाजवान का भी टेस्ट लेंगे और साथ ही साथ कश्मीर की इन खूबसूरत घाटी के अंदर, इस वैली के अंदर जो है वो आप भरपूर लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं इस खूबसूरती के साथ. फ़िलहाल आप दीजिएगा अपने मेज़बान को इजाज़त. देखते रहें डेली तस्कीन आमिर सुहेल के साथ.